2016 में मैंने मिसेज इंडिया का टाइटल जीता हाँ। और मैं मैं वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई okay. जाने के बाद आपको रियल कंपटीशन का पता चलता है और टॉप में भी नहीं आई मिस इंडिया में देखो ना तो मिस इंडिया में तैयारी बहुत प्रबल होती है आपके बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कैंडिडेट पे काम करते हैं mm -hmm. पूरा गेम कोच कर सराउंडिंग का होता है डेफिनेटली mm -hmm. उनका जो मेंटल स्टेटस है उनकी फैमिली बैकग्राउंड है वो सब भी मैटर करता है मेजर रीजन आई कुडेंट मेक इट बिकॉज आई डिट है

उसके बाद उनकी शादी हो गई एंड देन शी अप्लाइड फॉर मिसेज इंडिया वेर शी फाइनली वन विद टाइटल इंडिया गैलेक्सी इज द सेनर ऑफ इंडिया से आप अकेली जा रही हो आप में इंडिया का टच दिया जाएगा एक फिलीपींस की एक अलग चाम होती है थाईलैंड हाँ। की एक अलग चाम होती है तो इंडिया की हम अलग चाम रखते हैं हमारी जो मिसेज इंडिया आई की विनर है वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है जो? और अगर हम स्पिरिचुअल और योगा की बात करें तो सबसे पहली कंट्री किसी के भी दिमाग में इंडिया आएगी right. और अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहली चीज़ स्पिरिचुअलिटी और योगा आएगा वेलकम नमस्ते स्वागत है एक और नए एपिसोड में मैं राहुल सोलंकी और हमें भारत के सबसे हटके पॉडकास्ट आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको आपसे याद दिलाना चाहूँगा आपने सुना होगा मिस इंडिया मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स और उसी के साथ साथ एक और पेजेंट कैटेगरी होती है जिसे कहते है हैं मिसिज इंडिया मिसिज यूनिवर्स मिस मिसिज वर्ल्ड तो आज हमारे साथ हैं मिसिज इंडिया टू के विनर जिनका नाम है मोहिनी शर्मा उन्हीं की जर्नी के आसपास बात करेंगे और कैसे वो गाइड करती है और यंग लोगों को और और हाउस वाइफिस को जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं उसी के अलावा हम लोगों को मुझे नहीं पता था इस फील्ड के बारे में क्या और नया है कैसे मॉनिटरी कैसे मॉनेटरी स्ट्रीम खुलती है कैसे उनका फ्यूचर है उसी के अराउंड और कुछ फ़न बातें भी करेंगे ऐसा इतना सीरियस नहीं है माहौल तो सबसे पहले स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एस हमको इतना Uh, इस टॉपिक पे हमको uh, कह सकते हैं अवेयर कराने के लिए क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे डेली के अराउंड तो थैंक यू सो मच फॉर अस एंड कैसे हो कैसे कैसा लग रहा है में आके राहुल दिल्ली में आके बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए ये मौका देने के लिए क्योंकि ज्ञान तो जितना बांटो उतना कम है और अगर आज मैं कई महिलाओं तक पहुंच सकती हूँ तो मैं इसका क्रेडिट तो मैं दूंगी और मैं अपने लिए एक ऑनर की बात कहूँगी यस यस इन और उसी के साथ साथ तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों के मिसकनसप्शन है इसके अराउंड कि उनको लगता है कि फैशन तो बहुत ब्यूटी ओरिएंटेड है सिर्फ ब्यूटी 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 ब्रेन की कोई बात नहीं करता तो उसके बाद अराउंड बात करेंगे खैर आपने कैसे स्टार्ट किया था आपको कैसे पता चला था कि कुछ ऐसा भी होता है जब आप स्कूल या कॉलेज डेज में थे तो कैसे स्टार्ट किया ये सब जर्नी तो स्कूल और कॉलेज डेज की बात कहूँगी तो आ, हम बहुत ही बचपना रहता है हम में और उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहती है क्यूरोसिटी रहती है हर चीज़ करने का मन करता है तो मैं वैसी लड़की तो नहीं थी जो अपने में रहती है सहमी सहमी रहती है मैं बहुत खुल के जीने वालों में से थी एडवेंचरस नेचर था मेरा काफ़ी और उस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें बचपन से ही ट्राई करना शुरू कर दी थी डांस की बहुत शौकीन रहा करती थी मैं और डांस की वजह से म्यूज़िक पे मेरा बहुत अच्छा होल्ड था और उसके बाद जैसी मैं कॉलेज में आई तो फैशन शो नाम की भी कोई चीज होती है इससे मेरा इंट्रोडक्शन हाँ, हुआ कॉलेज में तो सबने देखा है कि फ्रेशर्स हाँ। का भी होता है और सीनियर्स का भी वो बहुत अमेजिंग लगता है स्टेज पे वो ऐसा, बहुत ऐसा लगता है कि, कि हम फेमस बन जाए फेमस हो जाएंगे इस <laughs> <जैसे, Mr. laughs> तब मैंने देखा और मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुई मेरे सीनियर्स को देख के उनका परफॉर्मेंस देख के और मेरे मन में भी आने लगा कि मुझे भी वॉक करना है मुझे भी फैशन शो करना है इनिशियली मेरे डांस के सर जो थे उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ और और और... तो सर के कुछ थे और uh, मैं बेस्ट स्टूडेंट तो नहीं थी बट हाँ उनको मेरे में ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखता था ठीक है तो इनिशियली वो ज्यादा खुश नहीं हुए ये जानकर की हाँ मैं फैशन शो भी करना चाहूंगी और इंटर कॉलेज फेस्टिवल वो टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा था मुंबई मुंबई से क्या मुंबई से कॉलेज किया है पूरा मैंने ठाकुर कॉलेज से मुंबई की ऑडियंस हाँ पहचान हाँ ठाकुर हाँ हा, तो। कॉलेज कांदेविली में बहुत फेमस है और वो टाइम पे ठाकुर कॉलेज अपकमिंग कॉलेजेस में था ये मैं बात कर रही हूँ दस साल पुरानी दस बारह साल हो गए तो अपकमिंग और हर इंटर कॉलेज में जाके हम पार्टिसिपेट कर रहे थे फिर चाहे वो आईआईटी का मूड इंडिगो हो फिर चाहे वो जेवियर्स कॉलेज का मल्हार हो तो ये सारे टॉप नॉच फेस्टिवल्स होते हैं बॉम्बे में और हम सब जगह जाके पार्टिसिपेट कर रहे थे तब मैंने सोचा कि नहीं मैं फैशन शो भी करना शुरू कर आपको स्टेज का फियर तो था ही नहीं कभी नहीं था क्योंकि मैं एक परफॉर्मर थी और वो निकला कैसे कैसा लगता है सबसे पहली बार जब स्टेज पर गए कैसा लगा होगा क्या करने गए थे स्टेज पर पहले बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने पर जब स्पीच देने की बारी आती थी हाँ। तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे ठीक है। पर जब परफॉर्मेंस की बारी आती थी तो शायद मैं भूल जाती थी कि आगे ऑडियंस बैठी है मैं स्टेज पर हूँ यहाँ पर एक परफॉर्मेंस चल रहा है एक शो चल रहा है

तो फिर धीरे 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 मैं फ़ैशन शो में मेरा पैर जमने लग गया और सारे इंटर कॉलेज में जब हम जाते थे तो हमारी फैशन शो की टीम जाती थी जो परफॉर्म करती थी ओके okay. मुझे आज भी याद है जब वन ऑफ द फर्स्ट फैशन शो था पुद्दार कॉलेज में इंटर hmm. कॉलेज कंपटीशन था एनिकमा नाम है फेस्टिवल का और जब वहाँ पे विनर अनाउंसमेंट शुरू हुआ तो बेस्ट मॉडल का जब विनर अनाउंसमेंट हो रहा था तो मेरा नाम लिया गया ओके और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरा नाम लिया मैं स्टेज पर गई तभी मुझे चश्मा हुआ करता था <laughs> <Okay>. <laughs> तो मैं स्टेज पे गई और मेरे लिए वो टाइम पे कॉलेज की लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात थी True. जिसने पहली बार फैशन शो किया है हाँ। भले मैं स्टेज परफॉर्मर थी मैं बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कॉन्फिडेंस मैंने इन द प्रोसेस बिल्ड किया है ज्यादा मुझे ऑडियंस दिख नहीं रही थी क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहना था <laughs> बट सारी ऑडियंस मुझे कर रही थी मोहिनी मोहिनी मो तो मेरे लिए एक बेस्ट फीमेल मॉडल का टाइटल जीता एंड अ डे एक दिन जब मुंबई में मिड डे नाम का एक न्यूज पेपर आता है आफ्टरनून में और वहां पर मेरा आर्टिकल देखा मैंने एक दिन जो मेरे लिए अभी मैं कॉलेज में हूँ <laughs> आर्टिकल भी आर्टिकल शुरू गया। आ गया उसका जो हेडलाइंस था मोहिनी शर्मा रूलिंग द रैम्प क्या बात है जस्ट बिकॉज एवरी सेकेंड कॉलेज फेस्टिवल में मैं बेस्ट फीमेल मॉडल का टाइटल ला रही थी और ये स्टोरी आ गई मेरी एक फ्रेंड की मम्मी ने कॉल करके बताया कि अरे मिड डे में मोहिनी का आर्टिकल आया है बहुत खतरनाक बहुत बहुत बड़ी बात थी हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे

स्पीकिंग अबाउट करियर जो मैंने मिस कर दिया इंटरव्यू से यू आर एजुकेशनस्ट और साथ ही साथ आपकी मिसेज़ इंडिया इनकॉप्रेशन करके आपने फाउंडर भी हो सके तो yes. उसके अराउंड भी ये कैसे आया मतलब आपने कैसे सोचा कि आप मुझे इस फील्ड में भी जाना चाहिए वो उन पर भी बात करेंगे बट मैंने मिस किया था तो आई जस्ट मैंशन इट क्योंकि करियर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो सब लोग सोचते हैं कि यार ठीक ठीक है है पैशन अपनी जगह लेकिन मेरे को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करना है तो वो भी एक सवाल आता है आपने क्या किया वहाँ पे <laughs> मैं तो अपना बैंकिंग में, में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था हुँ. तो मैंने अपनी बैंकिंग इंश्योरेंस में ग्रेजुएशन की और फिर मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी थी मेरी सिटी बैंक में फर्स्ट जॉब जिससे मैं बहुत खुश थी

Uh, समझ लीजिए पौने घंटे का आधे पौने घंटे का ट्रैवल था, था। बॉम्बे में दो तीन महीना तो वो एक्साइटमेंट में और, और लोगों की भी लगी थी? दोस्त लोगों की भी लगी थी नहीं उस जगह पे सिर्फ मेरी लगी थी दूसरे दोस्तों की जेपी मॉर्गिन हो गया तो अलग अलग बैंक में लगी थी ठीक है डॉशी बैंक हो गया वो टाइम पे ये सारे हाँ रिक्रूट कर रहे थे इनिशियली तो बहुत खुश थी परिवार वाले भी खुश खुश हाँ, हाँ हाँ, सब बहुत जॉब लगी कॉलेज के बाद सब क्या? प्राउड थे एकदम दो तीन महीने बाद तो एस्केप ढूंढना शुरू कि ये कैसे क्यों नहीं आ रहा था मजा जॉब में ये लग रहा था इसका कि तो जवाब ही नहीं दे पाऊंगी मैं कभी सब कुछ बढ़िया था वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था बॉस भी अच्छा था कलीग्स भी अच्छे थे टाइम मिल रहा था अपने लिए टाइम भी मिल रहा था यंग थी मैं तो अपना जो सेकेंड हाफ होता था शाम को आती थी शाम का टाइम मेरा रहता था तो वो भी बढ़िया था पर हो सकता है कि वो वाली आप जो कहते हैं ना कि एक अंदर से जो होता है कि मेरे मेरा अचीवमेंट क्या है इसमें क्योंकि जॉब आ गई ठीक है अब क्या नेक्स्ट अचीवमेंट एक होता है ना बंदा अपने गोल हाँ, तलाश करता रहता हाँ, हाँ, है हाँ. जैसे हम कोई एक कार लेता है फिर सोचता है कि मैं घर भी ले लू क्या, आगे, आगे क्या क्या तो वैसा नेक्स्ट आप सोचोगे कि जॉब टफ है ठीक है जॉब कर लेते हैं ले हाँ, लेते हैं हाँ. उसके बाद क्या करेंगे हाँ. प्रूफ करते रहना है ना अपने आप को हो सकता है वैसे ही सवाल मेरे मन में आ रहे हो और मैं खुद को बहुत लॉस्ट पाती थी उस समय मुझे समझता नहीं था और फिर एक ऐसा समय आया कुछ महीनों बाद कि जबरदस्ती जाने लग गई मैं अच्छा बट आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है मेरे True. साथ मैं और... आज की तारीख में अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो हम उसका जवाब ढूंढ लेते हैं जैसे तैसे या हर रास्ता निकाल लेते हैं वो टाइम पे तो मैं खुद को यही समझा रही थी कि अरे इतनी अच्छी जॉब लगी है like... इसी में ग्रो होना है इसी में आगे बढ़ना है और मेरे को मैं सही बताऊ मैंने वहां पे एक साल काम किया मुझे नहीं जवाब मिला कि क्यों मैं यहाँ पर सेटल हो पा रही हूँ

क्स यूनिवर्सिटी लंदन में ठीक हाँ, बाहर। इंडिया में ही नहीं कर करके कि हाँ, हाँ, भी आपको हाँ, कि हाँ, मैं अपना कुछ कर लूंगी कर लूंगी अगेन घर से थोड़ा रिजर्वेशन था फैमिली के थोड़े रेस्ट्रिक्शन थे बाहर जाने को लेकर स्पेशली डैड के मॉम के इतने नहीं थे तो डैड वॉज वेरी कम्फर्टेबल बट Literally, मैंने प्रूफ किया, मैंने किया कोशिश की उनको समझाने की जिसमें मेरे घर के दूसरे सदस्यों ने भी बहुत मदद की और डैड ने एक कंडीशन रखी कि मैं अब तभी जाने दूंगा देख, फीस तो जमा कर ली आधी मैं दे लिया हाँ। वहां पर जो भी तेरा रहना खाना पीना है अगर तू सक्षम है इतना कि खुद का खर्चा उठा सके क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है और डेस्परेशन था मैं मैं कर लूंगी, मैं कर आप बस आटे दाल का भाव अब पता चलेगा लड़की और, को। सही बात है और पेरेंट्स को तो पता होता है ना उनके बच्चे कितना कितना उनका वो है क्या कितना पुश करना चाहिए और कितना उनका अंदर सहन शक्ति है उन्हें पता होता है कि ये बंदा इसके ऊपर इसका दिमाग खराब हो जाएगा हाँ, तो ये अप कर, कर देगा कर देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हो सकता है तुम बदल गए हो देखते हैं देखते हैं हाँ। तो निकल गई मैं क्या हाँ। ये होगा किस टाइमलाइन में चल रहा है? ये 2009-10 की बात है अच्छा ठीक है

तो बेसिकली आई ऑलवेज बीन अ बेसिकलीसनैलिटी जो है उसको ग्रेटफुल सही बात ग्रेटफुल्ली एक्सेप्ट करो जो नहीं है मेरा ध्यान नहीं, नहीं जाता क्योंकि है क्योंकि नाव में नहीं है ना वो अब हमारे सामने हाँ, नहीं है जब हाँ, नाव में आएगा वो प्रेजेंट हाँ, में आएगा तभी हम तब हाँ शायद ब्लेसिंग है।, है ये भगवान की जो ऐसा एटीट्यूड हमेशा रहा है तो मुझे कभी कोई चीज खटकी नहीं और मेरे दिमाग में ऐसा था कि नहीं मैं जो भी करूंगी कुछ बहुत अच्छा करूंगी बहुत बड़ा करूंगी तो अभी बैंकिंग के लाइन में हूँ तो यहीं पे मैं बहुत अच्छा बहुत बड़ा करेंगे और उसके लिए वीजा वगैरह के लिए कोई चक्कर लगाने पड़े थे या फिर सब एजी? कुछ हो गया था सब कुछ इजीली हो गया और मैं निकल गई लंदन के लिए तो लंदन में मैंने रवाना हो गए <laughs> लंदन में मैंने स्टार्ट किया हाँ। उसके बाद वहाँ पर ऐसा हुआ कि जॉब भी मिल गई मुझे कैफे में ढूंढे कैसे वे हॉस्टल में रहे थे या फिर बाहर नहीं वहाँ पे क्या होता है ना अपना हॉस्टल्स नहीं होते वहाँ पे रेंटेड डॉर्म्स डॉर्म्स भी नहीं आप छोटा सा अपार्टमेंट हाँ। रेंट कर लो और अपनी एक फ्लैटमेट के साथ आप वहाँ पे रह लो ठीक है मैं भूल गई उसका भी एक टर्म यूज होता हाँ। है वहाँ पे मैं कोई याद नहीं आ रहा है वहाँ पे रहना शुरू किया और कैफे में मेरी नौकरी लग गई के तो कैसे ही सरवाइव करेंगे

मैं मैंने देखा मैं सुबह पाँच बजे उठती थी अपने पूरे घर का काम करती थी फिर अगर सुबह की शिफ्ट हो तो मैं सुबह कैफे जाती थी उसके बाद मैं कॉलेज जाती थी उसके बाद मैं शाम को घर पे आके असाइनमेंट्स करती थी फिर डिनर बना के डिनर खा के मैं सो जाती थी तो ये सुनने को बहुत नॉर्मल लग रहा है बट मेरे लिए ये वो टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि अगर मैं कैफे पे जा रही हूँ तो मैं फुल टाइम अपने पैरों पे ही खड़ी हूँ वहां पे बैठने का आपके पास वो नहीं है अगर हम ट्रैवल कर रहे तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल कर रहे हैं टाइमिंग को लेके कभी कोई एक्सक्यूज नहीं कि नहीं सुबह पांच बजे कैसे उठूंगी सुबह चार बजे उठना तो मैं चार बजे भी उठ के जाती थी कैफे की ओपनिंग करनी रहती थी कई बार जो शिफ्ट रहती थी शिफ्ट के हिसाब से हम काम करते थे और तब मुझे लगा कि मैं जितना खुद को समझ रही हूँ मैं उससे कई ज्यादा हूँ प्रेशर में मैं काम कर सकती हूँ और तभी मेरे दिमाग में छोटे छोटे लंदन में बिजनेस आइडियाज आने लग गए थे ठीक है कि इवेंट का काम स्टार्ट कर देते क्योंकि वहाँ पे जो इंडियंस रहते थे उनको इवेंट आ, के लोग चाहिए, चाहिए थे जो संगीत के कोरियोग्राफी करें ऐसे जो लोग इंडिया चाहिए का थे जो का फ्लेवर लेके आएंगे तो वहाँ पे मैंने प्लानिंग शुरू कर दी और वो मैंने काफी काम हाथ में लेना स्टार्ट कर दिया था एक पॉइंट पे फिर मैंने मेरे कैफे की जॉब छोड़ दी और संगीत कोरियोग्राफी बोलो छोटे छोटे इवेंट ऑर्गेनाइज करना बोलो वो मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर लिया था कॉलेज चल रहा था कॉलेज लाइफ कॉलेज चल रहा था कॉलेज <laughs> <laughs> बढ़िया चल रहा कॉलेज <laughs> कितना बढ़िया चल रहा है क्योंकि ध्यान हमारा चला गया ना दूसरी तरफ पैसे कमाने की तरफ ध्यान चला गया बढ़िया तो, वो बहुत अच्छा चल रहा था <laughs> उसके बाद मेरे मास्टर्स कंप्लीट हुए और मुझे लंदन में जेपी मॉर्गन में इंटर्नशिप मिली खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ड्रीम जॉब हाँ ड्रीम जॉब मतलब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी लंदन में लंदन में

अब शायद उनके दिमाग में यार होगा बेटी की शादी करवानी हाँ। है ज्यादा टाइम निकल जाएगा तो ये वहाँ सेटल हो गई तो ये सब आने हमें हाँ, हाँ, कैसे पता चलेगा कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है हाँ। उस टाइम पे आप लोग कितना कम्युनिकेट करते थे घर पे फोन वो मम्मी से मेरी रोज बात होती थी ठीक थी। है फिर भी एक वो टच फेस्टिवल्स वगैरह पे आना जाना नहीं इतना नहीं इतना नहीं हाँ। वो तो छूट गया, छूड़ था। गया ना। वो तो बहुत कम हो गया फिर था। नहीं लग रहा कि मेरी हाँ। लाइफ, मेरी मेरी लाइफ दुनिया वहां बस गई थी हाँ। हमारे रिश्तेदार कैसे देखेंगे बच्ची क्या कर रही है कैसी है हाँ। आज वो तो वो... अभी आप ही बता सकते हो इनके <laughs> मन में चलता गया हाँ। मेरे को तो आज तक नहीं पता चला मम्मी पापा के मन में चलता गया चलता है उन्हें उन्हें ये लगता है की हमारा बेटा सोशल लाइफ से कट ना जाए उसको ये ना हो जाए की

स्कूल्स की लाइन में आ रहे थे डैड डैड ने एक दो स्कूल भी सेटअप कर ली थी okay. तो ऐसा था कि अब ये कौन संभालेगा hmm. उनका जो स्टील और आयरन का बिजनेस था वो तो भाई देख रहा था स्कूल्स हाँ. का कौन देखेगा और मुझे ऐसा लगा कि अरे आज जब मेरी जरूरत है <laughs> तो बच्चा ही क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो हम इमोशनली बहुत वनरेबल होते हैं दूसरे शहर हाँ। में मिलते नहीं है तो हम, तो हम ज्यादा बहुत इजिली पोक हाँ। कर हमें सकते वही हमने हमारी वही नर्व है आपने उसे नर्व पे हाथ रख दिया हाँ, हाँ। आगे मैं मान गई मैं आ गई और मैंने संभालना शुरू कर लिया काम वापस से फिर से आधा मन हाँ फिर मुझे नहीं समझ रहा है कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है मैं इतना हंड्रेड अच्छा चल रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा था नो कम्प्लेन्स एट ऑल आप अपनी कंट्री में आप अपनी फैमिली के साथ हो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है कोई पैसे से लेकर टेंशन नहीं कुछ टेंशन नहीं है। कुछ टेंशन नहीं। मेड है आपके गाड़ी है सब सारी काम। सारी सारी सहूलियत है हाँ। बट फिर वो सैटिस्फेक्शन नहीं था सही तो बात है फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि काफी टाइम निकाला स्कूल की भी ग्रोथ हुई मेरे अंडर ऐसा नहीं है नहीं हुई इसलिए वो एजुकेशनिस्ट जो आपने देखा था वो वहीं से आता है आज भी मैं स्कूल रन कर रही हूँ आज भी मैं सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ बट ऑबली मेरा जो पूरा 80 टू 90 परसेंट जो मेरा दिल है हाँ. वो मिसिज इंडिया में, में है हाँ, किया, किया, हाँ, उससे पहले भी कुछ टाइटल का ऐसा भी हुआ था ना जिसमें नहीं, नहीं हो पाया था फिर उसके बाद अटेम्प्ट किया था तो 2016 में मैंने मिसेस इंडिया का टाइटल जीता हाँ। और मैं मिसेस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई हां जब मिसेस वर्ल्ड में गई मैं तो मैं तो अपनी तरीके से अपनी तरफ से तो मैं पूरी तैयार थी पर वहां जाने के बाद आपको रियल कंपटीशन का पता चलता है और मैं टॉप 10 में भी नहीं आई क्यों क्यों लगता है क्या था रियल कंपटीशन देखो अगर आप मिस इंडिया में देखो ना तो मिस इंडिया में तैयारी बहुत प्रबल होती है बहुत उन्दी तैयारी होती है आपके बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कैंडिडेट पे काम करते हैं काफी टाइम से काफी महीनों से और उसको तैयार करते हैं अगर आज हमारा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फील्ड में नाम करके आता है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत तगड़ा कोच लगा होता है कोई भी रातों रात जाकर उठ के कहीं से भी आप ओलंपिक्स की बात करो आप क्रिकेट की बात करो hmm. पूरा गेम कोच का सराउंडिंग का होता है डेफिनेटली उनका जो मेंटल स्टेटस है उनकी फैमिली बैकग्राउंड है वो सब भी मैटर करता है बट सबसे मेजर रोल होता है एक कोच का और कुछ उनके अंदर होता है लेकिन उसको भी रिफाइन करना पड़ता है वो निकालना पड़ता है बाहर अंदर का और अगर एक सही कोच हो तो वही सब कर सकता hmm. है तो ये चीज है ना मिस इंडिया में बहुत अच्छी थी hmm. वेर एज मिसिज इंडिया में सही एक्सपर्ट्स और सही कोच जगह पे नहीं थे okay. और मेरे साथ मैं बताऊं ट्रेन मी एंड टू गाइड मी सो जब मैं जाकर आई जब मैं आ रही थी तब मैं बहुत बड़े धक्के में थी बहुत बड़े सदमे में थी कि True. मैं मिसिज वर्ल्ड का क्राउन अपने भारत के लिए पेट्रियोटिक तो मैं हुई hmm. तो मैं वर्ल्ड का क्राउन इंडिया के लिए नहीं ला पाई थोड़ा सेल्फिश मोटिव भी था क्योंकि मुझे भी वो टाइटल जीतना था बट एट द सेम टाइम मुझे इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशंस फील हो रहे थे True. और मेरी तरफ से तो मैंने बहुत कोशिश की ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ आधी छोड़ दी हो आने के बाद मैं सारे सवालों का निक, जवाब निकालने लगी hmm. कहाँ कम पड़ गए कहाँ कम पड़ गए कहाँ कम पड़ गए 2000 में डॉक्टर आदित्य गोवत्रिकर ने क्राउन जीता था hmm. मैं 2016 में गई 16 साल बाद मतलब ऑब्वियसली कैंडिडेट्स हर True. साल जा रहे थे हाँ. ये मैं अपनी कहानी बता रही हूँ और मैं मे, मेरे दिमाग में ऐसा था कि 16 साल बाद तो इंडिया को क्राउन मिल जाएगा हाँ. नहीं मिला 16 साल हो गए इंडिया को अब तक दूसरा मिसेस वर्ल्ड का क्राउन नहीं मिला है हुँ. फिर जब ये सारे सवालों के मैंने जवाब निकालने शुरू किए एक बात तो मैं समझ गई अब मेरे पास दो रास्ते हैं हुँ. या तो मैं ये सारे जवाब बाजू में छोड़ अपने बिजनेस में लग जाऊ नॉर्मल लाइफ में लग जाऊ भूल जाओ बिल्कुल ही भूल जाओ मूव ऑन करो एक लॉस होता है आपको तो आप क्या करते हो लॉस से मूव ऑन करते True. हो तो या तो मैं मूव ऑन कर लूँ या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि आई आई बी द चेंज मेकर नॉट ये मेरा जो सपना है इंडिया के लिए क्राउन लाने का वो सपना मैं मरने ना दू उसको मैं अपना फ्यूल बनाऊं hmm. और ये जो आग अंदर जुलस रही है hmm. ये फ्यूल से मैं उस आग को जलाती जाऊं और एक दिन मैं अपना सपना पूरा करू तो ये सारे जो सवाल थे और सवालों के मुझे जवाब मिल रहे थे इससे मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं खुद नेशनल डायरेक्टर बनूंगी अब मैं मिसेस इंडिया आईएनसी को फॉर्म करूंगी जहाँ पे एक बेस्ट उंदी ट्रेनिंग दी जाएगी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स होंगे बेस्ट ऑफ़ द इन्वायरमेंट होगा बेस्ट कोच होंगे और अब हम देखते हैं कैसे नहीं आता है आपको क्या लगता है कि आपने मिसेज इंडिया कैसे क्रैक किया इंडिया तो मैंने वो सारा जो टैलेंट और स्किल्स थे बचपन से लेकर वो सब कुछ मुझे इंडिया के स्टेज पे काम आए okay. क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं एक परफॉर्मर थी स्टेज फेयर मुझे कभी था नहीं एनजाइटी फेयर इनसिक्योरिटी स्टेज को लेके क्राउड को लेके कंपटीशन को लेके वो मुझे नेशनल लेवल पे पता नहीं क्यों बट नहीं हुई और बाकी की जो आपके वहाँ पे और भी लोग खड़े थे स्टेज पे उनको आप जब उनको देख रहे थे तो उनमें भी कुछ ऐसा था कि कोई उन्होंने गलती करी हो या कोई बहुत ही अच्छा कर रहा हो लेकिन फिर गलती तो उन्होंने कहा मिस वो लोग क्या गलत कर दिया किसी को नहीं देखा, देखा ही नहीं।, नहीं मैंने मेरे मिसेज uh, इंडिया के स्टेज पे किसी कंपटीटर को नहीं देखा okay. और मेरा जो जीतने को लेकर मेरी जो होप uh, थी हाँ. बहुत कम थी मतलब जब

क्योंकि मैं काफ़ी भटक के और घूम के वहाँ पहुँची थी True. मैं बैंकिंग में गई मैं लंदन गई मैं यहाँ गई मैं बहुत खोज करके फाइनली उस स्टेज पर पहुँची और जो हमने हमने वो मिस कर दिया कि जब आपने एजुकेशनिस्ट जब आपने स्कूल स्टार्ट किया था फिर वहाँ से कैसे एक होप साइन या कैसे एक साइन भी दिखा कि अरे ये भी तो है तो वो कैसे आपको नज़र हाँ, आया कि हाँ हाँ अगेन वही जो मैंने सिटी बैंक में फील किया था हाँ। वही चीज़ वापस से मुझे फील होने लग गई कि बहुत इनकम्प्लीट फील हो रहा था मुझे हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पता नहीं मैं बहुत ही सैटिस्फाइड ही नहीं फील कर रही थी लाइफ में एक खोज में थी हमेशा एक खोज में थी क्या करूँ क्या करूँ और ऐसा नहीं कि मेरे पास पूरा दिन खाली पड़ा है आधा दिन खाली पड़ा है मैं पूरा दिन बिजी हूँ मेरी स्कूल को लेके मेरे काम को लेके उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ और तब मैंने मेरी मिसेज वर्ल्ड पे रिसर्च स्टार्ट की थी अच्छा, अच्छा सीधा। हाँ, World, और फिर जाने के लिए मुझे क्या करना है इंडिया लेवल पे अपनी रिसर्च की और फिर मैंने एनरोल किया एनरोल का क्या सीन रहता है तो आप ऑनलाइन एनरोलमेंट करते हो और फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन कॉलिंग वगैरह होती है फिर ऑन ग्राउंड ऑडिशन में दो तरीके के एनरोल होता है या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका है हमारे पास ऐसे एक एक एप्लीकेशन आते हैं हाँ। ऑर्गेनाइजेशन के पास फिर हम उनका कॉल करके इंटरव्यू लेते हैं ओके। और फिर जो भी ऑन कॉल इंटरव्यू बराबर देता है उसके बाद हम उनको ऑन ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाते हैं उसके बाद और उसकी फीस वगैरह कुछ हाँ तो अगर आप इनिशियली आपका एप्लीकेशन भेज रहे हो हुँ. तो आपकी थ्री थाउजेंड की फीस होती है okay. जिससे हमें पता चलता है कि कैंडिडेट सीरियस है और टाइम पास नहीं कर रहा हाँ. है

स्क्रीनिंग प्रोसेस में हम ये क्राइटेरिया नहीं, नहीं रखते हैं okay. ताकि एनी वन एंड एवरी वन बी ए पार्ट ऑफ दिस और कितना टाइम रहता है जैसे आज मैंने अप्लाई किया और मुझे कब पता चलेगा कि आई एम आई एम इन या आई एम ये डेढ़ से selected. दो महीना लगता है अच्छा।

Okay. वो आते आते जून हो जाता है जून जुलाई तो हाँ। ये जो पूरा प्रोसेस है ये छः से सात तो ऐसे भी सुना होगा आपने कि पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में भी मिसेज इंडिया होते हैं हाँ। जो शायद उनके काउंट्री क्लब मतलब बहुत लेवल पे भी कराते हाँ। हैं तो क्या डिफरेंस है उसमें और एक जैसा तो आपका है उसमें क्या डिफरेंस है आप मेरा हाँ मिसेज इंडिया आई को बोल सकते हो कि अफिलियटेड है ओके इंटरनेशनली एसोसिएटेड है और uh, काफी बड़े बॉडीज बोलो मिनिस्ट्री बोलो गवर्नमेंट बोलो रिकगनाइज और रिकमेंडेड है mm -hmm. क्योंकि अगर हमारी कैंडिडेट जो जीतती है जो मिसेस इंडिया आईएनसी जीतती है शी इज कंसिडर्ड एज अम्बेसडर ऑफ इंडिया राइट नाउ वॉट प्रूवस हर टू बी अम्बेसडर शी इज एन अम्बेसडर बिकॉज द मोमेंट शी विन्स शी बिकम्स एम्बेसडर एंड दैट्स हाउ शी गेट्स वीजा फ्रॉम द एम्बेसी जिस भी कंट्री में हो रहा है कोविड हो नेचुरल कलेमिटी हो कुछ भी हो ये हमारी एम्बेसडर है इसको वीज़ा देना है हुँ. अगर आपने सुना होगा तो यू का जो वीज़ा था कोविड में बंद हो गया बन? था पूरा एम्बेसी बंद था वीज़ा मिलना बंद हो गया था सबका आना जाना रुक गया था हमारे कैंडिडेट को वीज़ा मिल रहा था okay. और इसकी पावर मुझे मेजरली कोविड में पता चली मिसेस इंडिया आईएनसी की विनर की पावर ये है हुँ. कि वो न, नेशन की एम्बेसडर कहलाती है और उसके लिए उसे कोई भी कंट्री में जाना हो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए क्योंकि वो भारत का झंडा लेकर जाती है ये डिफरेंस हो जाता है दूसरे पैजेंट में बेसिकली नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अगर अच्छा जैसे इंडिया खड़ा है आपके साथ हाँ, जाएंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएंगे जिसको ऑलरेडी बैग कर रखा है गवर्नमेंट अथॉरिटी ने तो उनके लिए आसान है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हाँ। और जो कि अगर आप छोटे लेवल की बात करोगे तो उनका पता नहीं है क्या वो ऑलरेडी बैग्ड हैं अगर हैं बैग्ड तो मे बी गुड बट नहीं जनरली नहीं होती हैं क्योंकि वो एक इवेंट uh, टाइप से क्राफ्ट होते हैं जो छोटे पैजंस होते हैं उनका इंटरनेशनल uh, अफिलिएशंस uh, भी ज्यादा नहीं, नहीं होते हैं पॉइंट नंबर 1 अगर वो होते भी हैं तो वो रिकमेंडेड और रिकग्नाइज्ड नहीं होते हैं हाँ। अगर आप मिसेस वर्ल्ड की बात करो मिसेस वर्ल्ड इज 45 फाइव ओल्ड एंटिटी तो मिसेस गैलेक्सी जो हमारा दूसरा इंटरनेशनल अफिलिएटेड पैजेंट है इट इज़ अगेन ट्वेंटी थ्री इयर्स ओल्ड पैजेंट सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट प्रीमियम इंटरनेशनल पेजेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे हमारे विनर्स जाते हैं सो इट्स बिग थिंग अभी जैसे मैं नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन की भी बात करूँ hmm. अगर वो एशियन गेम्स में जा रहा है बहुत अच्छी बात है अगर वो ओलंपिक्स में जा रहा है, तो आपको पता है फिर true. वो, तो, अगर वो वहां तक रहा है, तो हमें रिस्पेक्ट तो हो जाती true, है उसके true, लिए true. तो ऐसा ही इसमें है इसमेंट इंडस्ट्री right. में अगर फीमेल मिसेस वर्ल्ड मिसेस गैलेक्सी मिसेस अर्थ के लिए जा रहे तो वहीं पे हमारी रिस्पेक्ट आ जाती है true, true. एक तो बड़ा आस्पेक्ट होता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन में जाने से पहले जो सभी की मैंटेलिटी होती है कि प्राइज क्या है पैसा मिलेगा लास्ट में क्या मिलेगा क्योंकि टाइटल ठीक है बट टाइटल के थ्रू और चीजें आती है और डोर्स uh, खुलते हैं बट एक तो इसमें क्या है मिसेस वर्ल्ड तो मिसेस इंडिया हाँ, में प्राइज मनी एस सच कुछ नहीं है बट okay. अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं रिकॉग्निशन बहुत आता है आपको लोग जानने लगते हैं आपकी अपीयरेंसेस आपको हर जगह बुलाया जाएगा हर जगह और फिर अगर पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है फीमेल की 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 क्योंकि हुँ. आज तारीख में में एक इन्फ्लुएंसर वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट right. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं तो अगर वो विनर पार्शली इन्फ्लुएंसर है हुँ. तो देन शी स्टार्ट्स कोटिंग हर प्राइस कि हमारे अपियरेंस का बिकॉज इट इज आउट ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट शी हैज़ टू चार्ज वो फ्री में कहीं पे भी जाकर नहीं खड़ी और ऐसा हो भी होता है कि अगर उनके पास स्किल्स है अगर वो एक्टिंग अच्छा कर सकते हैं मॉडलिंग में जाना चाहते हैं वो तो फैशन फैशन स्ट्रीम में भी जा सकते हैं फैशन शो डोर आपके हर जगह के लिए खुले हैं बट आप मिसेस इंडिया को 99% परसेंट एक सेटल्ड करियर वुमेन ही होती हैं जो मिसिज़ इंडिया पैजेंट में पार्ट लेती हैं हमारी अगर मैं ये पैनल की बात करूँ जो हमारे विनर्स हैं हमारी जो मेन विनर है वो एक बहुत ही वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर है इंडिया की फिर जो हमारी फर्स्ट रनर अप है शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट गाइनकोलॉजिस्ट यंगेस्ट गाइनोकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया फिर हमारी, well hmm. फिर, हमारी, uh, तो have, फिर हमारी जो सेकेंड अप है शी इज अगेन अ वेरी वेल नोन साइकैट्रिस्ट ऑफ मुंबई फिर हमारी तो वी हैव फिर हमारी जो थर्ड रनर अप है शी इज अ सेल्स मार्केटिंग हेड विद आई थिंक विद हॉटस्टार एंड देन हमारी जो टॉप फाइव की जो हमारी फोर्थ रनर अप है शी इज अगेन

क्योंकि जनरली शादी के बाद ऐसा होता है कि वी वॉन्ट टू दे वॉन्ट टू प्रूव समथिंग कि वी वी स्टिल हैव दैट वी स्टिल हैव मेरे को लगता है जनरली उनका फैशन साइड पर या इस साइड पर भी इंटरेस्ट रहता है बट बिकॉज ऑफ सिचुएशन बिकॉज ऑफ़ क्योंकि इंडिया और सब जगह फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पहले हम जाते हैं ना कि किसी ऐसी चीज़ के लिए जाते हैं जो रिप्रजेंटेशन बतौर हो या फिर किसी तो उधर वो उसको छोड़ देते हैं बट जैसे दे दे फील कि हम फाइनेंशियली स्टेबल है हमारे को थोड़ा टाइम है नाउ लेट लेट मी वर्क ऑन आवर सेल्फ तो फिर वो अपने आप पे काम करते हैं देन जब वो अपने आप पे काम कर रहे हैं तो हमने करा तो है लेट्स वर्ल्ड hmm. को भी दिखाते तो फ्रॉम देयर आई थिंक दे गेट द डायरेक्शन विच इज़ गुड बट इसमें एक और आस्पेक्ट आता है क्या उनका एक एस्परेशन uh, रहता है कि वो मिस इंडिया भी जाना चाहते थे मिस यूनिवर्स तो आपने देखा है कोई एप्लीकेंट्स ऐसे जो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स के लिए भी अटैम्प्ट कर रहे थे लेकिन शादी हो गई या फिर उनके ड्रीम्स uh, शिफ्ट हो गए फ्रॉम मिस इंडिया टू टू फैमिली और जॉब देन दे नाउ स्विचिंग बैक लास्ट ईयर की जो हमारी सेकेंड रनर अप थी कैप्टन शाहद दलाल उनकी मैं स्टोरी यहाँ पर दूंगी आपके पॉइंट sure. पे बिकॉज कैप्टन दलाल हैड अप्लाइड फॉर मिस इंडिया व्हेन शी वाज यंग

एंड देन शी वेंट फॉर मिसिज गैलेक्सी बिकॉज उनको वो हाँ टाइटल मिल गया था यूएस में पैजेंट हुआ था एंड कैप्टन चाहत दलाल इंडिया का फर्स्ट एवर गैलेक्सी का टाइटल जीत के लाई है चाहत के पास हारने के फॉर्मूले थे तो जब हारने के फॉर्मूले होते तो जीतना ईजी हो जाता है और उसके बाद पंद्रह साल उन्होंने एक्सपीरियंस लिया वो रुकी नहीं कंसिस्टेंट रही कि नहीं तो हारने के बाद लोग छोड़ देते हैं हिम्मत हार जाते हैं बट शी स्टेट कंसिस्टेंट और उनके गोल्स क्लियर थे उनको पता था उन्हें लाइफ में क्या करना है शी नेवर गेव अप शी कैप्ट अपलाइंग शी डूइंग एंड वेन शी वन मिसेज इंडिया टाइटल उसके बाद आई एन सी की टीम लग गई क्योंकि आई एन सी तो एक्सपर्ट है ही नोन फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट ग्रूमिंग क्योंकि मैंने मिसेज इंडिया आई एन सी का फॉर्मेशन ही इस कारण से किया था कि बेस्ट ऑफ द कोच और बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स हों ताकि हमारे लिए इंटरनेशनल टाइटल लाना बाय हाथ का खेल हो जाए hmm. तो उसमें बोलते ना फेदर ऑन द कैप लग गया hmm. आईएनसी की टीम थी एंड देन शी मेड इट जब सपने आपके होते हैं वो आप सपने को किस तरीके से हैंडल करो True. क्योंकि काफ़ी ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिन्होंने मिस इंडिया में अप्लाई करना चाह रही थी नहीं कर पाई इसके लिए मिसिज इंडिया आई हैं यस आपके सवाल का जवाब hmm. कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिन्होंने एक बार ट्राई किया दो बार ट्राई किया मिस इंडिया के टॉप फाइव में आ गई मिस इंडिया जीतते जीतते रह गई एंड देन फाइनली शी केम टू मिसेस इंडिया यस ऐसी भी होती है कि उन्हें अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला घर परिवार की वजह से हाँ। फिर वो मिसेस इंडिया में आ गई जो मेरा एग्जाम्पल है तो हर टाइप की लड़कियाँ होती हैं और आप प्रोसेस में क्या फ़र्क है जैसे जो मिसिज इंडिया के लिए तैयारी कर रहा है और कोई मिस इंडिया के लिए तैयारी कर रहा है तो उन दोनों के गाइडेंस में प्रोसेस में क्या अलग कर रहे हैं क्या अलग पूछा जाता है

आप अगर किसी पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हो ऑन टाइटल छोड़ देते हैं मिस इंडिया छोड़ देते हैं मिस मिसेज ओवरऑल मैं बात करते हैं कि ग्रूमिंग करनी फैशन इंडस्ट्री से बहुत डिफरेंट है फैशन शो से बहुत डिफरेंट है मॉडलिंग से बहुत डिफरेंट है मॉडलिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो पेजेंट में होता है समझ लो 15 से 20% हां ठीक है उसके बाद पेजेंट इज अबाउट सो वॉट इज़ पैजेंट पैजेंट की जो विनर होती है वो क्या करती है hmm. वो इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करती है right. सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ जानी है पार्टिसिपेंट्स हो गए ऑडियंस हो गई और पार्टिसिपेंट्स की फैमिली हो गई क्योंकि फैमिली hmm. को लगता है अरे में जा रही है hmm. बट आपकी बेटी नेशनल अम्बेसर बनने की तैयारी कर रही है True. तो यह बहुत बड़ी बात है hmm. तो यहाँ पे एक बहुत मेजर कंफ्यूजन रहता है सबको True. और अगर आप एक नेशनल अम्बेसडर बनने की तैयारी कर रहे हो hmm. तो सोचो कितनी तैयारी लगेगी उसमें उसमे right. सबसे पहले तो आपका फिजिकल अपियरेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है hmm. आप कुछ भी पहन के या फिर कैसे भी ऐसे ऐसे खड़े नहीं रह सकते यू नीड टू हैव अ राइट बॉडी पोस्टर You need to have a good appearance. Mm. And when we are talking about females, they need to have that charm and that beauty on the face, the spark in the eyes, mm. the. ब्राइटनेस इन द स्माइल तो ये सारी चीजों पर काम करना पड़ता है भले छोटी छोटी चीजें स्किन हो गई आपकी स्माइल हो गई आपके हेयर हो गया आपका हेयर कलर हो गया आपका स्किन कलर हो गया True. आपके टीथ का कलर हो गया hmm. तो बहुत छोटी छोटी एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं वेन इट कम्स टू फिजिकल अप्योरेंस वेन इट कम्स टू बॉडी पॉस्चर योर बॉडी लैंग्वेज द वे यू सेट द वे यू टॉक वे यू मूव योर बॉडी सो इन चीजों पे भी हम काम और करते हैं जनरली ऐसी है, हाँ। <laughs> हाँ, है। घर ये हाँ। बैठे चीज़ें हम कैसे भी बैठे दोस्तों में बैठे तो कैसे भी बैठे हैं तो वो अलर्टनेस एक लानी है की घर पे बैठे हो तो भी एक नज़ाकत के साथ बैठना है दोस्तों में तभी वो आपकी होगी तभी वो आपकी आदत बन जाएगी आप चार दिन के लिए पैजेंट में जाकर ऐसे बैठोगे तो नहीं आएगा वो hmm. वो नहीं आएगा आपसे मिस्टेक कहीं ना कहीं होगी ही होगी True. तो हम इंटरनली पूरी पर्सनालिटी चेंज करते हैं वो सिर्फ ऊपर की फिक्सिंग नहीं होती है hmm. आपका कम्युनिकेशन आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वालों कैसे रिप्रेजेंट करोगे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके बोल हैं hmm. अभी कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा हो रहा है तो आपकी नॉलेज पाओ यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट योर कंट्री the economic status of your country, the growth of your country, the success of your country, the relation with other countries, anything and everything geopolitical, politically economically लिए, economic के लिए, आजकल बाज़ीन्स बोलते हैं कि political knowledge होनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि hmm. उन्होंने political questions पूछने भी बंद कर दिए हैं, but okay. क्योंकि एक दो issues हुए हैं past है hmm. में

सेल्फ uh, कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं या उसको बिहेवियरिज्म सिखाते हैं तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका जो रहता है वो प्रैक्टिस के साथ बढ़ता है अगर आज मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं पहली बार प्रैक्टिस के लिए गई हूँ रैम वॉक की प्रैक्टिस के लिए मैं कॉन्फिडेंट इसके लिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे नया इन्वायरमेंट है यह चीज़ मैंने पहले नहीं की है बट अगर वो चीज आप रोज दस दिन बीस दिन एक महीना दो महीना करोगे करो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड नहीं होगा बताओ ट्रू बच्चा जब पहली बार नए लोगों में बच्चों में जाता है क्रिकेट खेलता है तो डरा डरा सा रहता है सहमा सहमा सा। उसको दूसरे दिन भेज दो चौथे दिन पांचवे दिन मार के आएगा दूसरे हाँ, बच्चे को उसको फिर डर निकल जाता है तो वी मेक गर्ल्स यूज़ टू द एनवायरनमेंट नाउ दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट करियर बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम अ वेरी सेटल्ड फैमिली बैकग्राउंड होता है ये सब नया होता है उनके लिए बट right. इतना डेडिकेशन लड़कियों में भी होना चाहिए कि हमें इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना ही है ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं और मेंटल बैरियर्स के साथ भी आते होंगे वो अपने कि हम तो मेरा मेरा तो तो ऐसे 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 ही 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 हो पाता है मैं, आ, मतलब मैं ही है मैं मैं मतलब वॉक करती या हाथ रहता उस टाइप के चैलेंजेस को कैसे आप जो उनके मेंटल बैरियर है वो तो फिर एक्सपर्ट्स का काम है ना इसलिए अच्छा। तो हमने बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स रखे हम हैं तो किस किस टाइप के एक्सपर्ट रहते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन एक्सपर्ट राम वॉक एक्सपर्ट बॉडी पोस्चर एक्सपर्ट smile export वो एनालाइज मतलब कैमरास वीडियोस वगैरह सब उसको ओके सब, okay. सब कुछ आपके वॉक का वीडियो लिया जाएगा आप पे काम किया जाएगा फिर फाइनली वो प्ले किया जाएगा बताया जाएगा देखो हाथ ऐसा है क्योंकि इंसान को खुद को देखना बहुत हाँ। जरूरी है अरे आपका हाथ सीधा नहीं अरे आपका हाथ सीधा नहीं अरे तो वो नहीं समझेगा नहीं जब तक हम उसको खुद को दिखा नहीं देंगे कि देखो ऐसा और जर्नली स्टूडियो में मिरर्स होते हैं हर जगह तो वो भी अपना जब प्रैक्टिस करती हैं तो उन्हें दिखता है कि क्या कम है क्या ज्यादा है ट्रू, ये तो एक्सपर्ट्स कि कितना टाइम ले लिया है इस पूरे प्रोसेस में। अगर हम आप इंडिया की ग्रूमिंग की बात करें तो कितना तो जो इंडिया की विनर्स होती है तो हाँ। विनर्स की अच्छा, विनर्स, बात करती समझ लो बेसिक वो करके आई है आप उन्हें पता है बेसिक उन्हें पता है

तो इंडिया की हम अलग चाम रखते हैं True. इस पर मैं एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी अगर ये पॉइंट आज निकला है तो hmm. हमारी जो मिसेज इंडिया आई की विनर है hmm. अभी वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है hmm. और वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है True. और अगर हम स्पिरिचुअल और योगा की बात करें तो सबसे पहली कंट्री किसी के भी दिमाग में इंडिया आएगी right. और अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहली चीज़ स्पिरिचुअलिटी और योगा आएगा हमें पता है कि हमारी वो कैंडिडेट कितनी आउटस्टैंडिंग होने वाली है कंपटीशन में क्योंकि hmm. वो इंडिया लेकर चल रही है अपने साथ cool. तो यहाँ पर अब जब उसकी स्पीच डिलीवरी होगी जब उसका कम्युनिकेशन होगा जब क्वेश्चंस के जवाब देगी इंटरव्यू में अपीयर करेगी hmm. तो वो सारी चीज वुड बी अराउंड स्पिरिचुअलिटी एंड योगा बिकॉज शी हर सेल्फ एन इंस्ट्रक्टर उसकी इंट्रोडक्शन में भी वो छलकेगा उसकी अगर वो सजेशन दे रही है अगर वो अपना आंसर दे रही है तो हर जगह यही चीज रहेगी यहाँ पर हमारा इंडिया स्टैंड आउट करेगा इसलिए हम बोलते हैं कि हम एम्बेसडर्स बना रहे हैं इंडिया के लिए यहाँ पर हमारा ट्रेडिशन हमारा कल्चर स्टैंड आउट करेगा

जैसे ही टाइटल्स का ये सीन ख़त्म होता है वो वापस आते हैं तो आपने आप जैसा बता रहे हो और लोग क्या गलती करते हैं और कैसे मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या वहाँ पर ऐसे सीनारी भी दिए जाते हैं कि मैथ्स के जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आ, जैसे बहुत ही आईक्यू टेस्ट करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इंटरनेशनल लेवल लेवल पे पे आईक्यू वगैरह हम हम नेशनल करते करते हैं। हैं। अच्छा। ये सब यहां <laughs> हम बहुत तो बहुत जजेस मैं बोलूंगी आ, हमारे अगेन हम तो अगर मैं बात विंग कमांडर श्रुति चौहान अपने अगेन इंडिया इंडिया

आपका नाम मोहिनी है तो उस टाइम जिस टाइम आप बड़े हो रहे हो उस टाइम माधुरी दीक्षित का भी बड़ा <laughs> नाम होगा तो वो गाना भी तो आया था मोहिनी मोहिनी करके उनका गाना एक दो चल रहे थे, थे दो पैरेलल या फिर माधुरी दीक्षितिटी थी आपको आप ये बोला गया था कि आपका नाम रेफर मतलब ऐसे बोलते होंगे क्या मैं तो तब तक बहुत बड़ी हो गई थी बट नाम की वजह से कुछ मतलब नहीं, आपका नहीं सम... वो नाम मेरे मम्मी पापा ने माधुरी की मूवी से नहीं लिया था हाँ। वो वो गाना बाद में आया था बहुत हाँ। बाद में आया था मैं पैदा हो चुकी तो मेरा नाम मोहिनी रख दिया था उन्होंने तो आप मतलब आपके पास भी एक आ, एक कह सकते हैं कि नाम था रिप्रेजेंटेशन थी क्या ये क्योंकि सब लोगों के दिमाग में पक्का क्लिक करता हुआ जिससे आज तक आज भी जब कोई मैं किसी फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिलती हूँ या पहली बार मिलती इंट्रोड्यूस करती हूँ मोहिनी 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 और

जब मिस वर्ल्ड के लिए जाते थे मिस इंडिया तो मिस इंडिया के रिकोगनाइजन उसको उस जीत को कैसे आपने पचाया मिसेस इंडिया हाँ मिसेस इंडिया हाँ. का तो उस जीत को कैसे पचाया और कैसे सराउंडिंग बदली क्योंकि जब तक हम जब हम तैयारी करते हैं तो कुछ और होता है तब सब शक मतलब उसमें देखते हैं कि हाँ हो जाएगा कर लो तैयारी फिर उसके बाद जब हो जाता है फाइनली अचीव फिर उसके बाद क्या हो रहा था आपके चारों तरफ नेक्स्ट गोल की तैयारी थी तो वो उसको थोड़ा समझाओ हमें कि सर so, राहुल फॉर्चूनेटली और अनफॉर्चूनेटली मैं हमेशा एक ऐसी पर्सनालिटी रही हूं जो एक गोल के पीछे दिन रात दिन रात दिन रात मेहनत करती हूं वो गोल को हासिल करती हूं और 99% परसेंट वो गोल को हासिल करने के बाद उसे सेलिब्रेट करना भूल जाती हूँ okay. और इमिडिएटली अपना सेकेंड गोल सेट करती हूँ और सेकेंड गोल गोल का काम शुरू कर देती हूँ mm -hmm. ये आज की तारीख में मुझे पता चलता है कि बहुत बुरी बात हाँ, है, गलत है ये, तो। ये बहुत गलत है और मैंने बहुत ही कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ट्राई किया है mm -hmm. कि जब मैं कोई गोल हासिल करूँ तो उसको सेलिब्रेट करूँ mm -hmm. आल बी ऑनेस्ट मैं नहीं कर पाई हूँ मैं आज तक नहीं कर पाई बट hmm. एक बहुत अच्छी चीज़ मैं कर पाई हूँ कि मैंने जर्नी इन्जॉय करनी स्टार्ट कर लिया है right. तो अगर मैंने कोई गोल अपना सेट किया है लॉन्ग टर्म गोल बोलो या शॉर्ट टर्म गोल बोलो आई मेक श्योर दैट आई एम एन्जॉय द प्रोसेस मैं वो गोल तक पहुँचने का प्रोसेस इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि अक्सर आप और मैं अपना ही नहीं कहूँगी मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही गोल हासिल कर लिए उसकी वैल्यू कम होने लगती है हाँ

तब तक वो दिन रात उसी पे जाते रहोगे वेबसाइट चेक करते रहोगे कि या फिर आपने ऑर्डर भी कर दी है घर तक नहीं आई है वो आ गई है लेकिन घर तक नहीं आई है तभी यही रहेगा कि यार कब कब आएगी ये ट्राई और जैसी आ जाती है है ठीक पहन लूंगा या फिर इवेंट का ध्यान इवेंट की तलाश रहती है कि उस इवेंट पे पहनना है, है फिर उस इवेंट की तलाश रहेगी कि वहां पर कैसे देखो ना मतलब आप नोटिस कर रहे हो कि हर बार ह्यूमन माइंड जो रहता है वो किसी चीज की तलाश में रहता है वो किसी चीज की वेटिंग में रहता है वो कभी ये मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता और जिसने ये मोमेंट एंजॉय कर लिया ग्रेटफुल हो गया टू द लिव कर लिया वो रियल रियलेंट उसी के साथ साथ जैसे अब आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे या बहुत सारी फीमेल्स या लेडीज आती होंगी जिनको अपने सेल्फ डाउट होगा या फिर उनको सेल्फ डाउट तो वाले तो कमी आती होगी क्योंकि वो कुछ ना कुछ अचीव करके आई हैं उनके पास फाइनेंशियली कुछ सोचना नहीं है बट उनको टाइम का पंगा रहता होगा कि मैं कितना टाइम दू आ, या फिर उन्होंने उन्हों कुछ सीख के गए तो उस, उस आप तो आप, आप, आप आप, आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर लोग बोलते कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता तो ये टाइम अपने लिए कैसे निकालना है उसका कोई फॉर्मूला क्रैक करा आपने कि अपने लिए टाइम कैसे निकाले कोई जो चाहता है जिस चीज जिस इंसान को अपने लिए टाइम निकालना है वो निकालेगा और पहली बात अगर खुद के लिए टाइम निकालना पड़ जाए तो आप खुद की जिंदगी नहीं जी रहे आप उधार की जिंदगी जी रहे हो क्योंकि अपने लिए कभी टाइम निकाल आपको काम के लिए टाइम निकालना है आपके जो 24 घंटे हैं 24 घंटे में से आपको आपके काम के लिए टाइम निकालना है किसी की मीटिंग के लिए टाइम निकालना है बट आपका खाना आपका वर्कआउट आपका अगर मेडिटेशन मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो इसके लिए निकालना नहीं है इसके लिए टाइम आपका सेट होना चाहिए होनी चाहिए स्केड्यूलिंग हाँ, होनी कि हाँ, ये जब है जब पड़ोसी तो, शक्कर मांगने आते, आते, हैं तो हम उसको अपने डब्बे में से शक्कर निकाल के देते हैं ना या फिर हम बोलते हैं कि हाँ बाहर शक्कर पड़ा उसमें से दो कटोरी आप ले लो दो कटोरी हम ले लेंगे मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ अपने लिए फिर तो आपने उसको अपना कभी माना ही नहीं आपने अपनी बॉडी को अपना कभी नहीं माना आपने अपने मन को अपना कभी नहीं माना और ये मिस्टेक मुझसे भी कई बार हुई है जब मैं खुद को प्रायोरिटाइज करना भूल जाती हूँ जब मैं खुद के लिए टाइम निकालना भूल जाती हूँ या खुद को प्रेफरेंस प्रायोरिटी देना कभी कभी भटक जाते हैं हम इतना हाँ। स्ट्रेस होता है इतना देन आई मेक श्योर कि हम ट्रैक पे आ जाए बिकॉज अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाए तो एक दिन आपकी किस्मत आपका आपकी यूनिवर्स आपके आपको प्रायोरिटाइज करनी बंद कर देगी और वो भी है और दूसरा ही पड़ेगा मजबूत है ना कि आपने आधी जिंदगी निकाली पैसे कमाने के लिए हेल्थ को इग्नोर करके और आधी जिंदगी आपने वही पैसे हेल्थ पे डाल दी हाँ। क्योंकि आपने फर्स्ट हाफ में हेल्थ को इग्नोर किया तो ये तो एक ट्रैप है ना जिसमें आप फंस गए